चलिए बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में 8 सितंबर 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जितने प्रश्न बनेंगे सारी जानकारी आपको यहां पर दिया जाएगा। एक बार पुनः आपको बता दूं कि इस श्रृंखला के सारे वीडियो आपके बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। ये प्रश्न था कि राष्ट्रीय स्तर पर इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत बिहार के किस छात्रा का चयन किया गया है। तो राइट आंसर हमने आपको बताया था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निहारिका कुमारी। हालांकि यहाँ से कई सारे फैक्ट ऐसे भी थे जो कि हमने और भी आपको बताए हैं, तो सभी चीज़ों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और एक बात ये भी ध्यान रखेंगे कि हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल ऑनलाइन टेस्ट वगैरह है सभी के सभी आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू प्राप्त कर पाएंगे। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। एक बात की यहाँ पर आपको जानकारी दे दूँ कि इस वीडियो में हमने सारे प्रश्नों को यहाँ पर बिना एक्सप्लेनेशन के ऐड किया है, यानी कि थोड़ा सा समय का अभाव था जिस वजह से एक्सप्लेनेशन लिखने में तो थोड़ी टाइम लगती है, क्योंकि तकरीबन 2 से 3 घंटा का समय लगता है क्योंकि चीज़ों को एकत्र करना पड़ता है, जिस वजह से टाइम के अभाव के कारण ही, यानी कि समय के अभाव के कारण ही हमने आज की इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन को शामिल नहीं किया है। बस आज भर आप लोग किसी तरह मैनेज कीजिए, फिर अगले दिन से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब यहाँ पर हमारा आज का पहला प्रश्न है कि अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से कितने जानवर को बिहार के पटना जू ले जाने की मंजूरी दी गई है अफ्रीका के द्वारा। तो ऐसे में इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 36। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से सभी जानवरों को हवाई जहाज के माध्यम से, यानी कि एयरलिफ्ट करते हुए यहाँ पर लखनऊ एयरपोर्ट पर उतारा जाएगा, जिसके बाद फिर पटना ले जाएगा। तो ये सारी बातें अभी जो मतलब न्यूज में चल रही है उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब ये पटना जू पहुँच जाएगा तो तब भी मैं आपको कंप्लीट जानकारी अवश्य दूंगा। अब यहाँ पर जो इस प्रश्न का राइट आंसर था यह था ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब यहाँ पर हमारा अगला होगा दूसरा प्रश्न। ये प्रश्न है कि केरल के कालीकट में आयोजित 21वीं जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में बिहार टीम ने कितने पदक जीते हैं। इस प्रश्न को आप इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 5 कांस्य पदक, यानी कि 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल। कुल मिलाकर यहां पर आप ध्यान रखेंगे कुल 7 मेडल बिहार टीम ने अपने नाम किया है, जो कि केरल में ये आयोजित हुआ था 21वीं जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप। तो ये बातें यहाँ से ध्यान रखें, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर 5, 1, 6 और 1, 7। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न है कि केंद्रीय कपड़ा तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी 18 सितंबर को पटना आ रही है और पटना स्थित ज्ञान भवन में आयोजित पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम में किस पुस्तक का लोकार्पण करेंगे। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोदी एट 20 नामक पुस्तक का भी लोकार्पण किया जाएगा 18 सितंबर को स्मृति ईरानी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर चौथा प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हाल ही में किस मंत्रालय ने मीट द चैंपियन पहल का आयोजन किया है। तो मीट द चैंपियन पहल का जो अभी आयोजन किया गया है ये भारत सरकार का खेल मंत्रालय का एक पहल है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर पांचवा प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्न में से किसे अवर ग्रेट नेशनल फॉक्स डॉक्यूमेंट्री में आवाज देने के लिए हाल ही में एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप भी इसे इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को एमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। अब यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अवर ग्रेट नेशनल फॉक्स डॉक्यूमेंट्री में आवाज़ देने के लिए इन्हें कह सकते हैं इस अवार्ड से, यानी कि एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऐसे में इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बराक ओबामा। अब यहाँ पर हमारा अगला छठा प्रश्न है कि यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर, यहाँ पर देखिए फुटबॉल नहीं बल्कि फुटबॉलर होगा, तो फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार इस वर्ष किसने जीता है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर ई, और ऑप्शन नंबर ई के तहत आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी कि करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटेलस इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बीपीएससी के दृष्टिकोण से देखें तो ये वाला ऑप्शन जो फाइनल आंसर होगा ये विकल्प नंबर ई यहाँ पर इस प्रश्न का फाइनल आंसर होगा। आपको ध्यान रखना कि यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटेलस को। नेक्स्ट होगा हमारा सातवां प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो राइट आंसर होगा गुजरात के अहमदाबाद में।
ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यही पर 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाना है। नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा 8वां प्रश्न, ये प्रश्न की नीति आयोग निम्नलिखित में से कहाँ 500 अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको विस्तार से किसी और वीडियो में देंगे, लेकिन यहाँ पर हम इस प्रश्न की राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग में आपके बीपीएससी एग्जाम में कई बार प्रश्न बने हैं, तो नीति आयोग से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सभी को पुनः से रिवाइज आप लोग कीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न नहीं छूटे। चलिए अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 9वां प्रश्न, ये हमारा 9वां प्रश्न है कि हाल ही में आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। अब यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को हमने शामिल क्यों किया है, हालांकि ये प्रश्न की जानकारी हमने आपको 2 दिन पहले ही दिया था। अब यहाँ पर ये इसलिए हमने शामिल किया है कि वहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, हमने आपको बता दिया था कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, लेकिन एक्चुअली में ये रिपोर्ट है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड यानी कि आईएमएफ की, तो इस चीज़ का आप लोग वहाँ पर सुधार कर लीजिएगा जो जानकारी हमारे द्वारा दिया गया था आपको 1 से 2 दिन पहले, जहाँ पे मैंने जिक्र किया था कि ये जो 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है ये रिपोर्ट आई थी ब्लूमबर्ग के द्वारा, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये रिपोर्ट है आईएमएफ की, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर इस प्रश्न को शामिल किया है। जो आईएमएफ की नई रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए भारत यानी कि अपना देश भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो ऐसे में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा। पूछा गया कि कौन सा देश ब्रिटेन को छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी, तो राइट आंसर है अपना भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा 10वां प्रश्न, ये प्रश्न है कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने हाल ही में ऑनलाइन मोबाइल ऐप जेके इकोप लॉन्च किया है, ये भी खबरों में है, और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अगला 11वां प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, इसे भी आप इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में रखेंगे, हालांकि सारे जो प्रश्न होते हैं वो इंपॉर्टेंट ही होते हैं, लेकिन जो कुछ चुनिंदे प्रश्न होते हैं जहां पर मैं आपको स्टार मार्क देता हूं, वो प्रश्न के साथ कुछ अलग ट्रीट करेंगे, उसे एक अलग तरीके से आप याद रहेंगे ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न की हम बात करें तो किस राज्य पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने पर हाल ही में जुर्माना लगाया है, तो बिहार का पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल पर यह जुर्माना लगाया गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा, ये कचरा प्रबंधन के नियमों में उल्लंघन को लेकर के ये जुर्माना लगाया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर हमारा अगला है 12वां प्रश्न, ये प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अंतरिम अध्यक्ष की बात करें तो अभी हाल ही में अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर भारतीय ओलंपिक संघ में जो नियुक्त हुए हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आदिल शमरीवाला, ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला हमारा 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 2022 डच फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है। तो 2022 का डच फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो इसका विजेता रहा मैक्स वर्स्टैपेन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला हमारा 14वां प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 5 सितंबर को, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है, और इस वर्ष 5 सितंबर को मनाए गए शिक्षक दिवस के अवसर पर पूरे भारत से 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं पर बात करें इस राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में बिहार के कितने शिक्षक शामिल थे, तो आपको यहां से ध्यान रखना इस राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में बिहार के 2 शिक्षक शामिल थे, लेकिन वहीं पर हम राजकीय शिक्षक पुरस्कार की बात करें तो बिहार के जो राजकीय शिक्षक पुरस्कारों का जो वितरण हुआ बिहार में, तो 20 शिक्षकों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये सारी बातें यहाँ से आपको नोट कर लेना है जो कि चीज़ें आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। तो आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में 2 सितंबर को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय की जयंती मनाई गई है, बताएं कि वे बिहार के कौन से मुख्यमंत्री थे। ये जो जयंती अभी हाल ही मनाई गई है ये इनकी कह सकते हैं 100वीं वर्षगांठ थी, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि बताएं कि वे बिहार के कौन से मुख्यमंत्री थे। इस प्रश्न की कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया है, आप मान के चलिए कि प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई चीज़ें यहाँ से हमने आपको बताया है। कमेंट बॉक्स में सारी चीज़ों को आप चाहें तो वहाँ पर विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं, लिखने से फायदा ये होगा कि चीज़ें आपको लंबे समय तक के लिए याद रह जाती हैं। चलिए तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।